आइए दोस्तों अगले सवाल चलते हैं। ए 10 हेक्टेयर फील्ड इज रिप्ड बाई 2 मैन, 3 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रेन टुगेदर इन 10 डेज। इफ वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ ए मैन, वुमेन एंड ए चाइल्ड आर इन द रेशियो 5:4:2, देन ए 16 हेक्टेयर फील्ड बी रिप्ड बाई 6 मैन, 4 वुमेन एंड 7 चिल्ड्रेन इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 हेक्टेयर फील्ड है जिसकी कटाई और होती है ना फसलें काटना और इकट्ठा करना, तो वो इसको कहते हैं रीपिंग। ठीक है, तो 10 हेक्टेयर का फील्ड है, उसकी रीपिंग कर रहे हैं 2 आदमी, 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। ठीक है, 10 दिन में करते हैं ये लोग, 10 डेज में ख़त्म करते हैं। ठीक है, इनकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, 5:4:2 है। 5 किसकी है, मैन की, 4 है वुमेन की और 2 है चिल्ड्रन की। तो यहाँ पे बताना है 16 हेक्टेयर फील्ड को रीपिंग करने में 6 आदमी, 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सिंपल सा है। ठीक है, आपको ये पता होगा M1D1W1=M2D2W2। तो इसमें आपको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे डेटा बहुत सारा दिया है तो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम मैन पावर 1 निकालेंगे, M1। ठीक है, पहले केस में कितनी मैन पावर मीन्स कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं इतने लोग। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी के साथ हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए दिया है 2 आदमी और रेशियो में क्या दिया गया है, 5। इसकी एफिशिएंसी क्या है, 5। तो सीधा से 2 आदमी को इंटू कर देंगे 5 से, उसी के करस्पॉन्डिंग को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को करना है 5 से, तो 2 मैन इंटू 5, और 3 वुमेन का करस्पॉन्डिंग क्या है, 4। इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी है, 4। ठीक है, तो 3 वुमेन इंटू 4, और यहाँ पे 4 चिल्ड्रन काम करे, तो 4 चिल्ड्रन की कैपेबिलिटी क्या है, 2। तो 4 चिल्ड्रन इंटू 2, अब इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, 5 2 जै 10, 4 3 जै 12, 4 2 जै 8। अब इसको ऐड करेंगे तो 30 यूनिट्स पर डे इन काम करने की इनकी एफिशिएंसी है इतने लोगों की। ठीक है, ये मैन पावर हमारी M1 आ गई। उसी तरीके से जो सेकंड केस है, यहाँ पे हमें M2 भी निकालना है, 6 आदमी, 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन की। इसी हिसाब से हम M2 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे D2 फाइंड आउट करना है, डेज टू। सेकंड केस में जो 16 हेक्टेयर फील्ड जब रीपिंग होगी उसमें हमें D2 पता करना है, बाकी सब डेटा हमें दिया गया है। तो 6 मैन यहाँ पे है सेकंड केस में, और एफिशिएंसी तो आदमी की सेम है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मैन इंटू 5, 5 से मल्टीप्लाई प्लस 4 वुमेन, 4 वुमेन है, मल्टीप्लाई किया इस 4 से जो इनकी एफिशिएंसी है, 4 वुमेन इंटू 4 प्लस 7 चिल्ड्रन है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने उनकी एफिशिएंसी से 2 से। ठीक है, तो 7 चिल्ड्रन इंटू 2, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जै 30, 4 4 जै 16, 7 2 जै 14। ठीक है, 7 2 जै 14, अब इसको ऐड कर लेंगे तो 60 यूनिट्स पर डे। अब इस वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं, तो हम इसमें अब डालेंगे, M1 हमारा आ गया था 30 यूनिट्स, और यहाँ पे क्या है, कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे थे ये पहले केस में, 10 डेज में, तो 10 इनका टाइम पीरियड है, तो 10 डेज अपॉन वर्क यूनिट, वर्क इनके पास कितना था, 10 हेक्टेयर फील्ड, तो आप सीधा से उस हेक्टेयर फील्ड को यहाँ पे लिख दीजिए 10। ठीक है, इनका वर्क कितना था, 10 हेक्टेयर फील्ड का, और यहाँ पे सेकंड केस में क्या है हमारा, M2 आ गया 60 यूनिट्स पर डे, 60 डे टू हमें पता करना है, दूसरे केस में हमें डेज पता करने है कितना टाइम लगेगा, अपॉन इनका काम कितना है 16 हेक्टेयर फील्ड का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 हेक्टेयर फील्ड, तो 16 यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे 10 से 10 तो वैसे ही कट जाएगा, 30 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 16 2 से 8 आ जाएगा, तो डे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 डेज। ठीक है, दूसरे 16 हेक्टेयर फील्ड में इतने 6 मैन, 4 वुमेन और 7 चिल्ड्रन को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 8 डेज लगेगा। ठीक है, रीपिंग करने में, फसल काट के इकट्ठा करने में उनको 8 दिन लगेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।